आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। 21 क्वेश्चन देखो आप, बेसिक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 21 क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। सभी बच्चे रजिस्टर के टॉप पर लिखेंगे, और जब भी क्लास स्टार्ट होती है न्यू पेज से स्टार्ट होती है, यानी रजिस्टर का कोई जो भी आप पेज लोगे आप न्यू पेज लोगे आप, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे ने पहले 50% क्वेश्चन किए हुए हैं तो फिर नीचे स्टार्ट करते हैं, वो नहीं, और डेट डाला करो, आज की डेट डालो और न्यू पेज से स्टार्ट करो। लिखो आप लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम लिखा करो, एक्सरसाइज 6.1 लिखो आप सभी। 21 जून बच्चों डेट जरूर डाला करो। अब एटलीस्ट वर्ड आ जाए बच्चों, याद रखना एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो आप सिंबल ही वाला लोगे बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट वर्ड आ जाए या मिनिमम वर्ड आ जाए तो आप ये वाला सिंबल लोगे। मिनिमम लिखा हो एटलीस्ट लिखा हो तो ये वाला सिंबल हो गया। एटमोस्ट लिखा हो बच्चों, एटमोस्ट या मैक्सिमम लिखा हो तो आप ये वाला सिंबल लोगे, लेस देन इक्वल टू। तनिष ये कौन सा सिंबल है, किस इसका नाम क्या है? लेस देन इक्वल टू। और इसका क्या नाम है? ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो अब आप लैंग्वेज देखो, आप तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं बच्चों 21st क्वेश्चन में करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1 में, जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट में 70 और 75 आए, राइट। थर्ड टेस्ट के जो मार्क्स है ना वो मुझे नहीं पता, वो मुझे एक्स में निलेक्ट कर लिए, और इनकी जो एवरेज आएगी ना वो मिनिमम 60 आनी चाहिए। जो इनकी एवरेज आएगी क्या आनी चाहिए? मिनिमम 60 आनी चाहिए। आप सबकी नज़रें बोर्ड पर, इनकी एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों देखो आप, याद करो छोटी क्लासेस 10th क्लास में मीन कैसे निकालते थे। मीन और एवरेज एक ही बात होती है। आपको मीन निकालना हो या एवरेज निकालनी हो, इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपको 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस करो और 3 से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला होता है एवरेज या मीन का फॉर्मूला। याद करो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई बाई स्मॉल एन, याद आ रहा है, x1 + x2 + x3 and so on डिवाइड बाई एन। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, कितने बार टेस्ट हुए? 3 बार टेस्ट हुए। तो आप फर्स्ट टेस्ट के नंबर, सेकंड टेस्ट के नंबर, थर्ड टेस्ट के नंबर लिखकर और उसको 3 से प्लस कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिनिमम उसकी एवरेज मिल जाएगी। और एवरेज जो मिलेगी, और मिनिमम एवरेज चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए, मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप बोर्ड पर देखो आप, 70 + 75 + xy3 ये एवरेज आ गई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एवरेज आ गई आपकी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये जो एवरेज आएगी आपकी तीनों टेस्ट के मार्क्स की जो एवरेज आएगी दैट शुड बी एटलीस्ट 60, राइट। तो बताओ यहाँ पर कौन सा साइन चलेगा, और यहाँ पर क्या लिखो मैं 60। अब आपको आ रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको आते हैं, क्लियर हो गया सभी को, राइट। इसको सोल्व करो, 5 145 हो गया प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 बच्चों, तो एक्स ले लो। तो मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए थर्ड टेस्ट में बच्चों? आप सब ने ये पूछा है कि थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने लाए, तो मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट बताओ आंसर क्या होगा बच्चों? मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट शुड बी 35। मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए? 35। अगर आपको अपनी एवरेज 60 से ऊपर की बनानी है, मिनिमम 60 रखनी है, राइट, एवरेज को समझते हो ना तीनों को मिलाकर, अगर मिनिमम 60 रखनी है तो आपको थर्ड टेस्ट में कितने नंबर लाने जरूरी है? मिनिमम, आप ज्यादा लाओ 36 लाओ, 40 लाओ, 42 लाओ, वो चलेगा, लेकिन 35 से कम नहीं ला सकते। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नहीं तो पूछना है इसमें, तो हमारा 21st क्वेश्चन हमने कर लिया, नोट करो और आगे चलते हैं। अब 22nd क्वेश्चन में देखो आप, जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर देखिएगा, 6.1 एक्सरसाइज। इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, यानी आपको एवरेज बनानी है 90 मार्क्स की। फर्स्ट 4 टेस्ट के जो नंबर हैं इसके, सुनीता के 87 + 92 + 94 + 95
और लास्ट वाले के x ले लो आप, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, क्लियर। अब मिनिमम मार्क्स एवरेज कितनी आनी चाहिए, 90, 90 एवरेज बनानी बनानी है, तो यहाँ पर साइन कौन सा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। अच्छा ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है मार्क्स वाले, इनमें क्या मैक्सिमम वर्ड आ सकते हैं? क्या मैं ये तू चाहेगा, तेरे ज्यादा से ज्यादा 70 नंबर है। तू ये चाहेगा कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा अच्छा बच्चों, राइट। अब वोट कर लेना आप कि इसकी मिनिमम जो एवरेज है 90 आनी चाहिए बच्चों, तो इनको प्लस किया तुम लोगों ने, क्या आया बच्चों प्लस करने का, 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450, x ग्रेटर देन इक्वल टू 82, तो बस इसका मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए उसके, 82। तो लिखते हो लैंग्वेज, लिखते हो इंग्लिश में, देखो मिनिमम मार्क्स इन फिफ्थ टेस्ट शुड बी 82, क्लियर। अब मैं आगे की क्वेश्चंस के लिए समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें करनी है उसके लिए मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, क्या बोर्ड पर देखो आप, रजिस्टर के टॉप पर ले लेना, टॉप पर 3 सबसे ऊपर लिखो, टॉप का मतलब टॉप होता है, अगर आप बीच में लिख रहे हो तो कलरफुल पेन से लिखना बॉक्स बनाकर, क्लियर। अब सुनो, 2 consecutive नंबर्स कौन से होते हैं, 2 consecutive नंबर्स, एक एक्स होते हैं और एक एक्सप्रेस वन होते हैं। जैसे अगर मैं एक्स वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो एक 4 होगा तो दूसरा 5 होगा, इसको बोलते हैं 2 consecutive नंबर्स। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि 2 consecutive इवन या ऑड नंबर, इवन या ऑड, दोनों में से एक वर्ड बोलूंगा मैं, या तो इवन या ऑड, तो पता है क्या होगा, x लोगे और x प्लस 2, इवन में भी फिट बैठता है ये ऑड में भी। कैसे, अगर आप x की वैल्यू बेटे 2 लेते हो तो नेक्स्ट नंबर बताओ क्या होगा, 2 प्लस 2 4, अगर 4 लेते हो तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6, तो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर मिल गया ना। अगर बच्चे अगर ऑड नंबर में भी यही फॉर्मूला फिट बैठता है, कैसे, अगर आप x के लिए 1 लेते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, अगर आप 3 लेते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 लेते हो तो क्या हो जाएगा, 7, क्लियर। तो ऑड या इवन लिखाओ तो आपने ये वाले 2 नंबर लेने हैं, ऑड इवन नहीं लिखा होगा तब आपने ये वाले नंबर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्टार्ट करो, अब आप बोर्ड पर देखो आप 23rd क्वेश्चन बच्चों, मैंने सोचा था बच्चे मेरे समझ आ रहा है, कर लिया, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बच्चों लिखा हुआ है, बोथ ऑफ विच, ध्यान से सुनना, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, इसका मीनिंग बताओ, पहले बताओ ऑड नंबर कौन कौन से ले रहे हो, पहले आप ये बताओ, x और x प्लस 2, तो आप लिखोगे लेट ऑड नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। अब ध्यान से लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज सुनना, बोथ आर smaller than 10, इसका मीनिंग बताओ, और मैं लिखूं कैसे, x less than 10 होना चाहिए और x plus 2 भी less than, दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, ready? अब आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, and their sum is more than 11, their sum is more than 11, IQ बोलते common sense, sum का मतलब क्या होगा, x plus 2 more than 11, क्या equal to को साइन आएगा तनिष्क यहाँ पर, नहीं आएगा, आएगा मोर देन 11 तो नहीं आएगा, अगर एट मोर, अगर एटलीस्ट लिखा होता तो तब आता, गुड, एटलीस्ट वर्ड होता तो आला राशि, अगर एट मोस्ट वर्ड होता तो लेस, कौन सा साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन 11 लिखा होगा तो खाली लेस का साइन, मोर देन 11 तो खाली ग्रेटर का साइन, ये पहचानना, राइट, लैंग्वेज को देखना। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, 2x 2 को उधर ले जाओ, 2x greater than 9, x greater than 9/2, 9/2 कितना होता है बच्चों, 4.5, अब सोचो आप 4.5 से x की वैल्यू बड़ी लेनी है, राइट, और ये नेचुरल नंबर ही आएंगे, बताओ कौन कौन से लोगे, एक तो 5 लोगे और दूसरा 5 लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7, एक पेयर, पेयर बन गए, और दूसरा अब एक पेयर और बनेगा, 7 लेते हो तो 9, और 9 लेते हो तो
बोलो बोलो इन तीनों में से कौन कितने पेयर ठीक है? दो। ये वाला गलत है? कोई नहीं बोलेगा। तनिष बोल, ये बता दे मुझे गलत क्यों है। दोनों नंबर टेन से छोड़ दो नीचे, क्लियर ईच। तो इसलिए नाइन तो ठीक है पर इलेवन तो गलत है ना, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो आपके दो आंसर आ गए, 5 7 और 7 क्लियर। अब आप करके दिखाओ 24 क्वेश्चन, अब 24 करो, वो भी ऐसे ही है। हाँ अब ठीक है, चलो 24 क्वेश्चन देखो आप। दो इवन नंबर लेंगे, ऑड नंबर लेंगे? इवन नंबर। कौन कौन से लोग बताओ? और दोनों नंबर बच्चों क्या होने चाहिए? 5 से बड़े। तो x भी 5 से बड़ा और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा, और दोनों का सम क्या होना चाहिए? 23 से छोटा। तो ये तो हो जाना चाहिए है ना? हो गया। तो 2x less than 21, x less than 10.5। अब बताओ बच्चे मुझे, अब तुम बताओ, अब बता राशि बेटी क्या लिखूंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करो, पहला नंबर कौन सा लिखूंगा? इधर भी देख ना, दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, 5 से बड़े होने चाहिए दोनों नंबर, तो मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 8 और 8 और 10 और 10 और बोलो बोलो 12। अब बताओ मुझे कि मैं ये ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? तो ले सकते हो, तीनों पेयर ले सकता हूँ या दो पेयर ले सकता हूँ? तीनों ले सकते हो। आई क्यू दोनों नंबर 5 से राशि बड़े होने चाहिए, दोनों नंबर 5, ये 5 से बड़े, ये भी 5 से बड़े, ये भी 5 से बड़े, ये भी 5 से बड़े, ये दोनों 5 से बड़े हैं, कंडीशन फुलफिल। और x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए। x क्या है मेरा? पहला नंबर। जो पहला नंबर है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए। पहला नंबर 10.5 से छोटे हैं, 10.5 से छोटे हैं, 10.5 से छोटे हैं, तो तीनों ठीक हो गए बेटे। आप बताओ आप दो नंबर क्यों सोच रहे हो? आप तीनों ठीक है, किससे बड़े? 10.5 से बड़ा है। x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए। क्या x, जो x है हमारा वो 10.5 से छोटा होना चाहिए। x क्या है यहाँ पर देख, पहला नंबर तूने ध्यान से, ये पहला नंबर, दो नंबर तूने ये वाले लिया ना, यहाँ पर क्या रिजल्ट आया है कि x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, और x तुम्हारा यहाँ पर पहला नंबर है ना, तो पहला नंबर 10.5 से छोटा हो तो क्या बस बजा रही है? पहला नंबर 10.5 से छोटा हो गया ना बेटे, राइट? तो दूसरा नंबर तो 12 होगा ना, कोई दिक्कत? अगर मैं 12 और 14 लेता ना वो गलत होता, ये गलत होता, बताओ ये क्यों गलत होता? 10.5 से पहला नंबर 10.5 से, समझ गए? नेक्स्ट बच्चों, यस बच्चों, देखो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देखना बच्चों आप, ये ट्राइंगल है ABC, इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, इसको मैंने शॉर्टेस्ट बोल दिया, शॉर्टेस्ट को ले लो आप x, इसको बोल दो आप लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, और ये होगी हमारी थर्ड साइड, ओके थर्ड साइड। अब देखो लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है, जो लॉन्गेस्ट साइड है इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, 3 times का मतलब क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई, तो मैं इसको 3x कर दूं, बोलो यस और नो, एग्री? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन, शॉर्ट का मतलब कम, देन लॉन्गेस्ट साइड, बताओ थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, बताओ क्या लिखेंगे? 3x-2, राइट? और पेरीमीटर जो है वो मिनिमम एटलीस्ट 61 होना चाहिए, पैरामीटर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 61, और एटलीस्ट के साथ कौन सा साइन आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, तो पैरामीटर शुड बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 3x प्लस एक्स प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो ये हो जाएगा बच्चों 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मिनिमम जो शॉर्टेस्ट साइड है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो फिर लॉन्गेस्ट उस हिसाब से हो जाएगी, बस आपसे तो यही पूछा ना, तो मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी? तो शॉर्टेस्ट साइड आपका आंसर होगा, शॉर्टेस्ट साइड शुड बी मिनिमम 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मिनिमम 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 26 क्वेश्चन पढ़ो आप, दो टाइम दो थोड़ा सा करो आप ट्राई करो। यस बच्चों देखना आप इधर जिस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 25th क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी 6.1 चल रही है। एक बहुत बड़ा पीस ले लो बच्चों आप, ये वुडन पीस है बच्चों, राइट। इसकी जो लेंथ है 91 सेंटीमीटर, तो इसके तीन हिस्से कर देते हैं, एक शॉर्टेस्ट, एक बच्चों हम कर देते हैं सेकेंड लेंथ और एक थर्ड लेंथ। यहां पर मैं लेता हूँ शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है ना उसको आप एक्स बोल दो, शॉर्टेस्ट को आप एक्स बोल दो, एक्स सेंटीमीटर। देखो क्या लिखा हुआ बेटे, सेकेंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, बताओ इसका मीनिंग बताओ। सेकेंड लेंथ में इसको बोल देता हूँ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर का मतलब प्लस कर देंगे तो एक्स प्लस 3। अब आ जाओ थर्ड लेंथ, इस पर आ जाओ आप, क्या लिखा हुआ है, थर्ड लेंथ इज टू ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, 2x। अब सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो एंड शुड बी क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ये तो थर्ड पीस, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। ये तो हमने ध्यान ही दिया, एक्स एक्स प्लस 3 प्लस 2x लेस देन, पहले तुम ये तो करें, एक्स एक्स प्लस 3 प्लस 2x कितना हो जाएगा बच्चों, ये लेस देन इक्वल टू 91। इसको सोल्व करना बच्चों कितना आ जाएगा, ये 4x 3 को उधर ले जाओ, लेस देन इक्वल टू 88, एक्स लेस देन इक्वल टू 22। जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए, ये बोल दिया उन्होंने, लेकिन कंडीशन और दे देती है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया सभी को, राइट। जो शॉर्टेस्ट साइड है हमारी वो 22 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू, इक्वल भी हो सकती है पर उससे लेस भी होनी चाहिए, उससे ग्रेटर नहीं हो सकते। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। बताओ थर्ड पीस कौन सा बच्चों हमारा, थर्ड पीस एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। अब बोर्ड पर देखो मैंने कैसे लिखा, थर्ड पीस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड पीस, थर्ड पीस की वैल्यू कितनी है बच्चों 2x और सेकेंड पीस की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 3। इसको सोल्व करना, इसको उधर ले जाओ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। बताओ ये जरूरी क्यों था, बताओ इससे फायदा क्या मिला, बताओ इन दोनों को देखो। यस वेरी गुड क्रिश, हमें रेंज मिल गई बच्चों, क्या कि वो कहना चाहते हैं ये जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है ना ये ऐसे नहीं कि तुम 1 सेंटीमीटर का लेकर चल पड़ो, नहीं उन्होंने कंडीशन लगा दी है 8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो जो शॉर्ट इसका मतलब है जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है हमारा, जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है हमारा वो एक्स जो है वो 8 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा। इसका मतलब देखो क्या है, एक्स 22 से क्या होगा छोटा होगा पर 8 सेंटीमीटर से क्या होगा बताए। हाँ